अल्लाह साथियों शाजिया फ़र के चैनल पर आप सभी को खुश आमदीद आज हम बना रहे हैं अंडा चना और ये बहुत मशहूर डिश है होटलों में रेस्टोरेंट्स में ढाबों पे बैठ के लोग बहुत शौक़ से इसको खाते हैं हमारे शहर लाहौर के नाश्तों में एक पसंदीदा नाश्ता है ये तो घर में इसे कैसे बना सकते हैं और कैसे वही मज़ेदार सा टेक्स्चर और वो टेस्ट ला सकते हैं क्या सीक्रेट इन्ग्रीडियंट है जो इसको वॉल्यूम देता है जो इसको टेस्टफुल बनाता है तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं और आपको सारी डिटेल बताते हैं तो ये हमने छः अंडे उबार के रख लिए हैं और साथ में आपको बाकी सामान की तफसील बताते हैं सबसे पहले आपको बताएंगे कि काबली चनों को एक रात पहले हमने भिगो दिया था एक कप लिए थे काबली चने और इनको मीठा सोडा डाल के हाफ टी स्पून और भिगो दिया था और सुबह सारा पानी निथार के सादे पानी में इनको उबाल लिया इसमें कोई नमक नहीं डाला है इतना गलाएंगे कि यह हाथ से प्रेस करने पर टूटें लेकिन यह टूट के बिखर नहीं जाए और साबुत रहने चाहिए और देखिए इसके बाद हमने ये मसूर की दाल ली है तकरीबन दो मुट्ठी या आधी प्याली से थोड़ी कम है और इसको भी पानी में भिगो के फ़ौर उबाल लिया था क्योंकि बहुत जल्दी गल जाती है तो इसको एक रात पहले भिगोने की ज़रूरत नहीं है और फिर उसके बाद देखिए इस तरह से ये हमने अच्छी तरह गला के रख ली है इसमें भी कोई नमक नहीं डाला और कुछ और सामान नहीं डाला है इसका इस्तेमाल आगे चल के आपको बताएंगे और अब ये ड्राई मसाले आपको दिखाते हैं जो सारे निकाल के रख लिए हैं कुछ साबुत मसाले जाएंगे इसमें गरम मसाले और बाकी ये चीज़ें जाएंगी एक छोटी प्याज काट के रख ली है और उसके बाद दो टमाटरों और एक मीडियम साइज़ की प्याज का इस तरह से हमने ब्लेंडर में डाल के पेस्ट बना लिया है और अदरक लहसन का पेस्ट है और बाकी सारी चीज़ें हैं गरम मसालों में चंद चीज़ें जाएंगी एक दालचीनी का टुकड़ा एक बड़ी इलायची बाद का फूल और तीन चार पाँच काली मिर्चें बस और आधा टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं और आपको साथ साथ इनकी मकदार बताते जाते हैं हाफ कप ऑयल लेंगे और उसमें सबसे पहले हम डाल देंगे गर्म मसाला मीडियम फ्लेम पर रखेंगे उसको और उसके बाद जब क्रैकल करने लगेगा ये तो हम इसमें डाल देंगे वो छोटी प्याज जो हमने बारीक काट के रखी थी प्याज को बस हमें गोल्डन सा करना है हल्का बादामी सा बहुत डार्क कलर नहीं करना जब खुशबू आने लगे प्याज की तो उसके बाद हम बस उतना ही करेंगे इसको तो चलाते जाएंगे इसको इस तरह से और देखिए कलर चेंज हो गया है अब इसका तो इसमें एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे भून लेंगे इसको अदरक लहसन के पेस्ट का कच्चापन निकल जाएगा तो उसके बाद हमने जो मसाला बना के रखा था टमाटर और प्याज का ब्लेंडर में वो डाल देंगे और फिर एक टी स्पून मिर्च पाउडर शामिल करेंगे पैप्रिका पाउडर भी एक टी स्पून शामिल करेंगे पहले पेपरिका डाला है और फिर ये सूर्ख मिर्च का पाउडर एक टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे हल्दी पाउडर थ्री फोर टीस्पून शामिल करेंगे और इनको मिक्स करेंगे और फिर इनको हम कवर करके रख देंगे ताकि ये मसाला हमारा भुन जाए तो बस इसको कवर कर दिया है मीडियम लो फ्लेम पे मसाला जलना नहीं चाहिए और देखिए पाँच सात मिनट बाद ये अच्छा सा भुन जाएगा और ख़ूबसूरत सा इसका कलर नज़र आने लगेगा और खुशबू भी बहुत अच्छी सी भुने हुए मसाले की आने लगेगी मसाले का कच्चापन दूर करना बहुत जरूरी है सारी ग्रेवी इसी पे डिपेंड करती है अब हम ये सारे चने डाल देंगे चने डालने के बाद देखिए जब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इनको भून लेंगे तो अमूमन क्या होता है कि जब हम घर में बनाते हैं अंडा चना या मुर्ग़ चने तो उसमें हमारी ग्रेवी जो है वो अलग अलग नज़र आती है चने नीचे बैठ जाते हैं ऑयल ऊपर होता है और हम कितने सारे चने डाल दें लेकिन उसमें वॉल्यूम नहीं आता तो इसके लिए एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं अमूमन ढाबे वाले और हमने उन्हीं से पूछा था कि क्या वजह है कि आप लोगों की ग्रेवी बहुत गाढ़ी होती है और चने भी बिल्कुल साबुत होते हैं तो जब हमें पता चला कि थोड़ी सी दाल अगर इसमें ऐड कर दें तो अच्छा सा गाढ़ापन आ जाता है ग्रेवी में इसी ये मसूर की दाल उबाल के रखी है और अब इसमें शामिल कर देंगे और आप ख़ुद देखिए कि कितना फर्क पड़ेगा बहुत सारे लोग चनों को आधे चनों को ब्लेंड कर लेते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है उनको ब्लेंड करने का बल्कि इस तरह डालिए और अब इसको पकने रख देंगे अच्छी तरह से सब चीजें यकजान हो जाएंगी थोड़ा पानी इसमें शामिल करेंगे और उबाल आने के बाद इसको कवर कर देंगे ताकि दाल और चने अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और अच्छी सी इसकी ग्रेवी बन जाए नमक एक टीस्पून हमने डाला था आप चेक कर लीजिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से जब पूरा सालन तैयार हो जाए तो उस वक्त आखिर में ज़रूर चेक कर लिया करें और देखिए तकरीबन 10 मिनट हमने इनको पकने दिया था और क्योंकि दोनों चीज़ें अच्छी गली हुई हैं इसलिए बहुत अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो गई हैं घुल मिल गई हैं तो अब इसमें हम अंडे शामिल कर देंगे देखा ना कितना अच्छा गाढ़ा सा ये इसका मिक्सचर तैयार हुआ है ग्रेवी का और अब अंडे शामिल कर देंगे इसमें आप चाहें तो सर्विंग के टाइम बस दस मिनट पहले अंडे शामिल करें उबाल के उसी वक्त ताज़ा ताज़ा पहले से बहुत सारे अंडे उबाल के इसमें मत डाल दिया करें और देखिए बस इसको अब हम थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल करेंगे और फिर कवर कर देंगे ताकि सारा ऑयल ऊपर आ जाए और हरी मिर्चों की खुशबू अच्छी तरह इसमें शामिल हो जाए बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाते लेकिन बहुत टेस्टफुल बनता है कभी कभी ऊपर से कसूरी मेथी या गर्म मसालों की ज़रूरत नहीं होती बल्कि ओरिजिनल जो मसालों का अपना फ़्लेवर है वो निकल के आना चाहिए तो बहुत मज़ेदार और जायकेदार ये अंडा चना तैयार होगा ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा देखिए अब ऑयल ऊपर आ गया है बस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और आपको दिखाते हैं कि ग्रेवी हमारी कितनी अच्छी गाढ़ी तैयार हुई है ये देखिए और किसी को नहीं पता चलता कि इसमें हमने क्या सीक्रेट इंग्रेडिएंट शामिल किया है तो ये थी हमारी आज की रेसिपी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी ज़रूर ट्राई करके फीडबैक दीजिएगा मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तब तक दुआ में याद रखिए रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़